एपीजे अलत की वह क्या है कि पहले मतलब किसी गैर महरम का जो है मोहब्बत के ऐसे दायरे में रख, मतलब किसी का अपने हाथ में जैसे जैसे काम होता है ना, पिलर पिलर का जो तार होता है उस तार से मतलब अपने हाथ में कुछ जैसे एम और ए, यानी उसका नाम एम से शुरू होता है और मेरा नाम ए से शुरू होता है, ऐसे अगर लिखा हो तो मतलब लिखा था पहले तो अभी भी थोड़ा निशान बाकी है, मतलब मैं अगर देखता हूँ तो पहचान में आ जाता है कि मैं लिखा था और ये खत्म है, बस एम ही नजर आता है। तो मैंने सुना है कि अगर जो इस हालत में जी मर गया तो इसका कब्रस्तान में दफनाना जायज नहीं है मुसलमान का, और फिर क्या करना चाहिए इसे, इसके बारे में आजाद फरमा दीजिए। पहली बात तो ये कि जब इंसान कोई गुनाह छोड़ दिया है तो उस गुनाह के जो आसार हैं उन आसार को भी खत्म कर दे। गुनाह को छोड़ दिया बहुत अच्छी बात है, अल्लाह का फजल है कि गुनाह को छोड़ दिया उसने, उस गुनाह के जो आसार हैं उनको भी, उसकी जो निशानियां हैं जिससे वो उस गुनाह की तरफ वापस जा सकता है उसे भी खत्म कर दे। दूसरी बात जी ये भाई शायद गोदना की बात कर रहे हैं, या गोदना जैसी कोई चीज जो लोग जी क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, गोदना टैटू समझ रहे हैं सर, टैटू टैटू बनाने के बारे में बोल रहे हैं। टैटू जी टैटू। तो टैटू बनाना हमारी शरीयत के अंदर ये जायज नहीं है। अगर किसी ने बनवाया है जानबूझ करके, उसको पता था कि हराम है फिर भी बनवाया है तो गुनहगार है, तो सबसे पहले तो तौबा करे। दूसरी बात यह है कि उसको अभी इस जमाने में तो उसको खत्म करने का की टेक्नोलॉजी आ गई है, उसको खत्म करवा ले वो। तीसरी बात इन्होंने कहा कि उसको मुसलमानों के कब्रस्तान में दफन नहीं किया जाएगा, ये बात गलत है क्योंकि टैटू बनवाना ये गुनाह है और गुनाह करने से कोई इंसान दायरे इस्लाम से खारिज नहीं हो जाता है, ये तो खवारिज का अकीदा है, अहले सुन्ना वल जमा का अकीदा नहीं है। तो जब तक वो मुसलमान है तब तक उसे मुसलमानों के कब्रस्तान में दफन किया जाएगा, अलबत्ता वो गुनाह है उसे चाहिए कि वो उससे जल्दी से छुटकारा पाए। जी तो शेख वाज़े जैसे ये टैटू में शामिल होगा क्योंकि ये थोड़ा तार से लिखा, बस थोड़ा सा नजर आता है, ये टैटू नहीं है, बस ये टैटू में शामिल होगा से। देखिए, अगर से वो टैटू नहीं है, कोई भी ऐसी चीज जो चमड़े पर लिखी जाए इस तरह से लिखी जाए कि वो बाकी रहे, तो टैटू ही के हुक्म में है। अब जरूरी जैसे इस जमाने में टैटू बनाने का की जो टेक्नोलॉजी है, क्या आज से 1500 साल पहले वो टेक्नोलॉजी थी? नहीं थी। उस नहीं जमाने में थी दूसरे तरीके से बनाते थे, बस उसमें होता यही था कि चमड़े पर वो निशान ऐसा बनाया जाता था कि वो खत्म नहीं होगा, मिटेगा नहीं, साबित रहेगा। तो अब इस जमाने में घर से किसी और तरीके से उसको किया जाए, किसी भी तरीके से, तो ऐसा निशान जो चमड़े पे खोदा जाए कि वो साबित और बाकी रहने वाला हो, तो टैटू ही के हुक्म में है वो। जी, ठीक है, जजाक तो लाओ उसे हर सर। हाल में मिटाना होगा फिर, है ना? जी बिल्कुल निकालना होगा, और बहुत आसानी के साथ इस जमाने में वो निकल जाता है।